top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. पूरे देश भर से 20 राज्यों से आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के किसानों के सभी प्रतिनिधियों का आज की इस सभा में मैं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है, आज पूरा दिन आप लोगों ने इस विकट समस्या के ऊपर विचार विमर्श किया। बहुत दुख है कि पूरे देश भर के अंदर किसानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि किसानों का जो उपज है उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोल्ड स्टोरेज मंडियां बनाई जाए, यह भी गोपाल राय जी ने बताया, आप लोगों ने पूरे दिन के अंदर चर्चा की, ये बहुत जरूरी बातें हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोली जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका सीधा रॉ मटेरियल गांव से आए और गांव के आसपास ही अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी तो वहां के नौजवानों को वहीं पे रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार के लिए शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। उसी तरह से हमें गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो शहरों में सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इस बार हर गांव के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए, एक एक गांव के लिए 2-2 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हर साल, ताकि गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं तैयार की, स्कूल खोले जा सके, अस्पताल खोले जा सके, पानी बिजली सड़क एंटरटेनमेंट सारी सुविधाएं वहां पे मुहैया कराई जा सके जो कि शहर में मौजूद है, ताकि लोगों को गांव छोड़ के शहर में आना पड़े। दिल्ली के अंदर पिछले साल जब बेमौसम बारिश हुई, फसलें बर्बाद हो गई, हम लोगों ने 20,000 रुपए किले के हिसाब से, 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया था। अगर दिल्ली सरकार दे सकती है, बाकी सरकारें भी दे सकती है, नीयत का फर्क है बस। हमारी नीयत थी, बाकियों की नीयत अंबानी अडानी के साथ रहती है। हमारी डिमांड है कि अगर बेमौसम बारिश या बेमौसम या किसी भी वजह से फसलें बर्बाद होती है तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, किसानों के ऊपर जो इतना भारी संकट है इसको चर्चा करने के लिए। लेकिन बात केवल चर्चा तक सीमित ना हो, चर्चाएं तो बहुत हो चुकी है, अब इस देश में आयोग भी बहुत बन चुके हैं। सारे देश के अंदर एक सहमति है, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो, बाकी सारी चर्चाएं तो फिर बाद में होती रहेंगी। एक मांग को ही लागू कर दो तो कम से कम कुछ फायदा तो किसानों को मिलेगा। किसानों को, पूरे देश के किसानों को एकजुट करना है, एकजुट होना होगा। उसके लिए जो भी आप सब लोगों ने आज मिलकर कार्यक्रम बनाया है, उस कार्यक्रम का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और आज हम सब लोगों को यहां से ये संकल्प लेके उठना है कि जो हमारे देश के किसान आज विकट परिस्थिति में है, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मंदसौर में जो किसानों के ऊपर फायरिंग की गई उसमें FIR दर्ज करवाई जाए, जिन लोगों ने फायरिंग की, जिन लोगों ने फायरिंग का आदेश दिया उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और जो किसान इसमें मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।